हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं मेरी बेलिनो में बैठा हूँ, तो उसका जो एसी वेंट है मैं उसको क्लीन करूँगा। आज 2 साल हो गया मैंने इसका जो एसी वेंट है उसको फोम क्लीन नहीं किया। तो कल ही मैंने अमेजोन से एक फोम क्लीनर मंगाया है, उसका प्राइस मुझे पड़ा था 495। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है। मैं क्लीन करता हूँ और इसका जो एसी का जो फिल्टर है उसको भी मैं क्लीन करूँगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप ना करके आप पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट तो मुझे मेरा जो गैरेज है वहाँ पे यह दिखा देता। इस साइड का जो डोर है ये नहीं खुलेगा, तो मुझे गाड़ी को थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा। बट फर्स्ट तो इसको स्टार्ट दे लेते हैं। मेरा की किधर गया है? मेरा की एट फर्स्ट तो स्टार्ट कर लेते हैं। डोर ओपन था, लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट हो गया। मैंने पहली बार जो फोम क्लीन किया था वो 2 साल पहले, तो अभी ठीक ठाक ही है, लेकिन लगता है ठंडा थोड़ा बहुत कम हो रहा है। एक्चुअली मैं तो कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता में बहुत मतलब कि बहुत गर्मी हो रहा है। तो हम लोग जब देखते हैं ना उसका जो टेम्परेचर देखते हैं तो फील लाइक 50-52 हो जा रहा है। तो ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ठंडे थिक तरह से अंदर हो नहीं रहा था, तो इसीलिए और वक्त ही नहीं मिल रहा है। ऑफिस को लेकर इतना बिजी हूँ तो वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो आज छुट्टी है, आज रथ यात्रा है, तो आज छुट्टी है, तो सोचा कि आज सुबह सुबह इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। स्टार्ट देने के बाद ये जो आरपीएम मीटर आप देख रहे हो ना कि 1 के ऊपर है, ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये 1 के नीचे आने के बाद ही आप लोग मतलब कि गाड़ी को मूव करना, ठीक है? देखिए मेरा तो अभी आ गया है 1 के नीचे, तो चलिए गाड़ी को सामने थोड़ा आगे लेके जाते हैं। इसके बाद तो मैं वीडियो अभी पॉज कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव करने वाला हूँ, ठीक है? तो आते हैं 2 या 3 मिनट में। अभी मैं मेरे कार को सामने लेके आया हूँ। देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने खरीदा है अमेजोन से। ये दोनों बटन है 400 ml है, और इसके साथ एक बड़ा सा टिश्यू पेपर आया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका एसी का फिल्टर है, एसी का जो एयर फिल्टर है उसको साफ करना है, तो वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो ग्लोव बॉक्स है उसके अंदर। एक सेकेंड, देखिए इसके अंदर जो है इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक क्लिप है, यहाँ पे क्लिप है और यहाँ पे क्लिप है, इसको थोड़ा प्रेस करके आपको इसको बाहर की तरफ उठाना है। ये देखिए इधर का जो ये आ गया है आप देख सकते हैं, प्रेस करके देखिए ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है? अभी जो है ना, अभी जो एयर फिल्टर है आपका फ्लैश ऑन कर देगा। देखिए ये जो है ना, ये वाला है आपका एयर फिल्टर। एयर फिल्टर मतलब कि आपका जो एसी का जो एयर फिल्टर है ये वाला है। इसको यहाँ से ये देखिए क्लिप है, इसको बाहर की तरफ, यहाँ पे भी एक क्लिप है, इसको प्रेस करके बाहर की तरफ इसमें से, ये देखिए ये बाहर की तरफ आ गया। अभी इसके अंदर ये वाला है आपका एसी का जो एयर फिल्टर, इसको सिर्फ पकड़ के बाहर की तरफ आपको लाना है। बस ये आ गया आपका एयर फिल्टर। थोड़ा ध्यान से लाइएगा, इसके अंदर धूल हो सकता है। ये देखिए कितना धूल है इसके अंदर, देखिए पत्ता
सब कुछ है इसके अंदर, तो इसको क्लीन करना है। देखिए पूरा साफ हो गया एकदम क्लीन। तो चलिए इसको पहले आप देखे थे कितना गंदा है, अभी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। चलिए इसको सेट कर, अभी देखिए यहाँ पे एक साइन दिया हुआ है आप, मतलब कि ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसका जो एयर फ्लो डायग्राम है वो नीचे तरफ है, मतलब कि ऊपर से एयर आके नीचे से निकलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान करके लगाना है। तो चलिए जैसे निकले थे वैसे ही लगा दीजिए, ये देखिए। ये चला गया अंदर, अब इसका जो क्लिप है इसमें भी थोड़ा धूल है तो इसको भी क्लीन कर लेते हैं। हो गया एकदम चकाचक। सिंपल हो गया, देखिए सेट हो गया, दोनों तरफ जो क्लिप है वो लग गया है। अभी इसको ये जो क्लिप है उसको थोड़ा प्रेस करके अंदर की तरफ ढकेल दीजिए तो सेट हो जाएगा। बस हो गया, बस इसको भी साफ कर लेते हैं थोड़ा। बस हो गया, यह तो एक मेरा जो क्लीनिंग का पार्ट था वो हो गया। तो अभी है, अभी देखिए यहाँ पे, इधर देखो, इधर पे जो मतलब कि ये जो एसी वेंट है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और वहाँ पे दोनों है, तो इसके अंदर इन लोगों को ये जो फोम है इसको स्प्रे करना होगा। इसको स्प्रे करने से पहले थोड़ा शेक कर लेना। तो इससे पहले मेरा एक छोटा सा और एक काम है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ऊपर का जो धूल है ना वो चला जाएगा। इधर का हो गया, अब उधर वाला भी कर लेता हूँ। हो गया, देखिए इसको स्प्रे करने से पहले एक चीज याद रखना, आपका जो कार का जो एयर ब्लोअर है उसको ऑफ रखना, ठीक है। ऑफ करके मतलब कि पूरा कार को ऑफ कर लेना, पहले ऑफ करके इसको स्प्रे कर देना अंदर, और स्प्रे करने के बाद 10 से 15 मिनट तक वेट कर लेना। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर है
तो मैं वो आपको बाद में दिखाता हूँ। देखिए ये एक नोजल आता है इसके साथ, ये नोजल इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। अब इसको शेक करना है, हो गया। अभी देखिए इसके अंदर देना है, तब तक देना है जब तक ऊपर से झाग नहीं आ जाता है। देखिए आ गया, इसका हो गया। अभी यहाँ पे देते हैं, जब तक दे देते हैं। इधर थोड़ा दे देते हैं, अभी यहाँ पे दे देते हैं। पूरा झाग आ गया, अभी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे दे दो। यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं। देखिए अभी क्या करना है, अभी और भी फोम बचा हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और भी दे देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ जाओ, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो फोम है ना, ये जो फोम आ रहा है देखिए कितना गंदा है, एकदम सफेद नहीं है। पता नहीं आप लोगों को देख रहा है ही नहीं, ये बहुत गंदा है। साढ़े भेंट पे देना हो गया, तो अभी इसको छोड़ देते हैं 10 या 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो 10-15 मिनट के बाद आते हैं हम लोग। देखिए 20 मिनट हो गए हैं, अभी कार को कर लेते हैं ऑन। कितना गर्मी है आपको पता चल रहा होगा, देखिए कार के अंदर कितना गर्मी है। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, अभी ऑन हो गया। अभी इसका जो ब्लोअर है इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है, एकदम हाई पे। देखिए ऑन करने से ये देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, एकदम हाई टो पे दिया है मैंने, यहाँ पे देखिए एकदम हाई पे। ऊपर की तरफ से भी आ रहा है, इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेना। देखिए अभी भी आ रहा है,
इसका जो है ना ये एकदम क्लीन हो गया, ये एकदम क्लीन हो गया। इसका ब्लोअर जो है ये यहाँ पे जो फ्रंट है ना, मैंने इसको फ्रंट में देखे, इसको फ्रंट में दिया है, देने से क्या हुआ, ये जो ब्लोअर है इसका जो ब्लोअर है और ये जो ब्लोअर है, यहाँ से जो है सारे गंदगी निकल रहा है। अभी इसको फ्रंट जो है ना, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, तो ये करने से क्या हो रहा है, यहाँ से मेरा ब्लोअर आ रहा है, तो इसको मैंने फ्रंट पे दे रखा है। देखिए ये नीचे और ऊपर यहाँ से मैंने सिर्फ फ्रंट पे दिया हुआ है, तो अभी यहाँ से हवा आ रहा है, देखिए। तो अभी एसी को कॉल कर लेते हैं ऑन, टेम्परेचर थोड़ा नीचे कर दे रहा है। आपको एहसास नहीं होगा, ये जो ठंडा है ना बहुत बढ़िया सा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, और इसके अंदर से ना एक मतलब कि एक स्वीट सा स्मेल आ रहा है, वो जो फोम था ना उस फोम का स्मेल आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी थोड़ा आराम लग रहा है, देखिए कितना पसीना निकल रहा है। ये कलकत्ता का जो गर्मी है ना ये बहुत दे रहा है, ये मतलब कि महीना है जून और उसका जो टेम्परेचर है वो आपका फील लाइक 52 दिखा रहा है, तो इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अभी एकदम रिलैक्स आ रहा है, एकदम रिलैक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो मतलब कि जो वीडियो है ये मैं यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ, और आप लोग भी अगर आपको एसी वेंट जो क्लीन करना है विद फोम तो ऐसे कर सकते हैं। इसका जो बाइक लिंक है ना, तो वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और मेरे कार के साथ ना मैं बहुत सारे और भी मॉडिफिकेशन किया है, जैसे कि आपका मेरा जो व्हील है, व्हील का जो कैप है उसको मैंने मॉडिफाइड किया है, और पीछे का जो नंबर प्लेट का जो लाइट है उसको भी मैंने मॉडिफाई किया है। तो इसका जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप अगर चाहे तो देख सकते हैं, काम मैंने किया है, आप अगर आप हो सकता तो ये कर सकते हैं। ये मतलब कि आपका जो गाड़ी का जो एसी का जो लाइफ है ना उसको बहुत ही एनहांस करेगा। तो ठीक है, थैंक यू।